अरे बैठ के बन रही है चाय। गोमती नदी है, ये द्वारका दिश टाइम आ रहा हूँ कोई बीच पे। और अभी सुबह हुई है रुक्मणी मंदिर, तब ये डाउन हो गया। ये भगवान भोलेनाथ पहली बार देख रहा हूँ मेन मंदिर, सोने के द्वार की गाड़ी रोक आ रहा है। खूबसूरत सा व्यू, क्या बोलूं मैं सर। ट्रकों के बीच में हमने गाड़ी का टेंट सेटअप किया है, यू कैन सी। एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कच्छ। कच्छ के ही कोई इलाके में हम, और यहाँ से अभी निकलेंगे। अरे बैठ के बन रही है चाय, क्योंकि यार इधर चाय वाय बढ़िया नहीं मिलती यार। मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं चाय ले रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉफी वॉफी भी ले लेता था, लेकिन अभी इधर आके तो चाय थोड़ा ज्यादा बेटर लग रही है, पता नहीं क्यों। और यहीं से ही अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे ब्राउन ब्रेड के साथ में। वैसे हैवी नहीं कर रहा हूँ मैं, कल जैसे लंच किया था, आज भी कुछ ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे। और मैं हूँ अभी ऑन द वे टू कहीं ना कहीं, तो जाएंगे, अभी तक कुछ प्लान नहीं है। रोड पे बैठ के ऐसे प्लान बनते हैं अपने, कहीं का प्लान होता है लेकिन कहीं के कहीं हो जाते हैं। एवरीबडी, प्लान में फिर से बदलाव आ गया, 15-20 किलोमीटर आगे गया और अभी 15-20 किलोमीटर वापस जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि पहले मैं जा रहा था उज्जैन के लिए, और अभी बहुत ही खूबसूरत रूट से होते हुए हम अभी जा रहे हैं द्वारका के लिए। और ये चार धाम यात्रा में जो चार बड़े धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और ये द्वारकाधीश। ये तो आप देख रहे हो ना, ये नमक के ढेर है और यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देखो यार कितना शानदार लग रहा है। कितना बड़ा डैम है ये, और ये कोई रिवर है, आई डोंट नो नेम तो क्या है इसका। क्या खूबसूरत व्यू है। ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ मैं अभी हूँ गुजरात में, और मैं जा रहा हूँ अभी द्वारका, और द्वारका के बाद में मेरे आगे की जर्नी रहेगी यहाँ से द्वारका। द्वारका के बाद पोरबंदर होते हुए सोमनाथ, ये मार्केट है, मार्केट में अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं। इधर SBI का ATM देखना, उससे थोड़ा पैसे वैसे निकाल लें, कुछ कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए। मार्केट आता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, बाहर जाते हैं ऑनलाइन लेने वाले नहीं मिलते, और यहाँ की भाषा समझ कम आती है। एक गुजराती स्टोर है, यहाँ गुजराती डिशेस पड़ी है बहुत सारी, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार करेंगे। वैसे आप वो फाफड़ा जलेबी, जलेबी ये हो गई, फाफड़ा कौन सा है? अरे ये वाला फाफड़ा होता है, ये देखो ये फाफड़ा है एग्जैक्टली, ये ऐसा ऐसा होता है। हाँ जेठालाल वाला, हमें तो वही सीरियल देख के सबको पता लगता है गुजराती डिशेज का। एंड ये तो बहुत टाइप की डिशेज है इधर, ये मीठी होगी कुछ, क्या ये? अच्छा बालू शाही जैसा है, थोड़ा थोड़ा, चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये पता नहीं क्या है, हमन। ऑन द वे टू द्वारका, और इस रूट के दौरान हम यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं। एंड ये इसकी यार चेन आज बंद करी नहीं, बड़ी दिक्कत सी हो रही है इसको, सारा बाहर निकला बड़ा, इसको आगे चल के सेट करेंगे। वैसे यहाँ और राजस्थान में ज्यादा फर्क नहीं है रेट का, फर्क लगा हुआ। और ये देखिए इधर से जा रही है ट्रेन, और ट्रेन के इंतजार में हम बैठे हैं, और जब तक ये निकलेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड इस तरफ आपको एक जुगाड़ दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरीके का, देखिए यहाँ पे इस तरीके के बड़े चलते हैं, आगे से देखो बाइक है और पीछे के साइड ऑटो टाइप बना रखा है। ये कंसेप्ट मैंने गुजरात में बहुत देखा है यार। देखिए हम अभी आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, एंट्री लेंगे अभी, यहाँ से टर्न है और बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। अरे यार मोदी जी यहाँ भी मोदी जी दिख गए यार, नहीं मतलब मंदिर के देखो प्रांगण, चलो ठीक है इट्स ओके। ये अभी हम आए द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ अभी मैं पहुंचा हूँ, रात के करीब 7:30 होने को आ गए हैं। तो यहाँ गाड़ी पार्क करके हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए, और सामने की तरफ वहाँ पे गोमती नदी के किनारे बना हुआ है द्वारकाधीश मंदिर। ये देखिए यहाँ की मार्केट है द्वारका की नगरी की, एंड एक द्वारका वो थी जो यूपी में थी, एंड एक यहाँ पे इनका मंदिर मौजूद है। चार जो मेन धाम है उनमें से एक है ये। देखा जो सामने आपको देखने को मिल रहा है वो है द्वारकाधीश टेम्पल, एंड यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा अंदर, तो शायद बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। कहते हैं मंदिर मत्था टेकने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा जो गोमती रिवर है इसमें स्नान करो, नहीं तो मुंह हाथ तो धो मिनिमम, तो हम मुंह हाथ थोड़ा धो के फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। तो यार काफी भीड़ है, गोमती नदी है यहाँ, मुंह हाथ धो के फिर आगे की तरफ जाना होता है। हमने यहाँ पे मुंह हाथ तो धो लिया है, एंड पानी यहाँ का थोड़ा खारा पानी है। आगे की तरफ बोट भी चल रही है, एंड बहुत बढ़िया लग रहे हैं यहाँ के, बड़ा सुकून है इस जगह पे, बहुत ही सुकून है। तो हम यहाँ 2 मिनट रुकेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। मंदिर में तो कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आगे शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगा फुटेज, तो ये फोन वगैरह हम सब चीजें जमा करवा देंगे। और ये देखो छोटे छोटे घाट बने हुए यहाँ पे, बहुत सारे घाट है। ये द्वारकाधीश मंदिर का एंट्रेंस है, दो तरफ से रास्ते खुलते हैं, हम इधर से गए थे अंदर और मत्था टेक के आए हैं अंदर। कैमरा, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी नहीं यूज कर सकते आप यहाँ के, बहुत ही बढ़िया लगा हमें, बहुत ही पीसफुल जगह है। ये चार जो बड़े धाम है उनमें से ये एक है,
जो कि द्वारका गुजरात में मौजूद है। ये वाला मैंने यहाँ से निशानी लिया है, ये है बड़केश्वर महादेव मंदिर। यूनिक चीज बताता हूँ इसकी, ये देखो समंदर है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ कोई बीच पे, वो भी रात में। चलो वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़ा विशाल का शिवलिंग बड़केश्वर महादेव मंदिर। आज का दिन यही खत्म करते हैं अब। और हाँ, अभी तो एस्टे का भी ऑप्शन देखना है हमें। मैं हूँ आज द्वारका गुजरात में, और अभी सुबह हुई है, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। और अभी गाड़ी पैक करेंगे और स्टैंड को पैक करेंगे, और आज भाई भी शायद अलविदा बोलेगा अपने, क्योंकि इसकी बुकिंग कर दी है यहाँ से ट्रेन की, ये वापस जयपुर जा रहा है। और ये हमारा गाड़ी का सेटअप, इसको अभी मैं मिस करूंगा। अगली बार शायद आपको टेंट ये अलग दिखे, कुछ और डिजाइन दिखे, या ये सेम ही दिखे, अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये भी एक नई चीज आने वाली है। हे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्वारका। ये है रुक्मणी मंदिर, और ये भी काफी प्राचीन मंदिर है। काफी भीड़ है, लाइन में लगते हैं। उसके बाद आज हम एक ज्योतिर्लिंग करेंगे नागेश्वर, एंड उसके बाद सोमनाथ के लिए भी निकलेंगे। तो ये रुक्मणी माता का मंदिर है, और हम अंदर मत्था टेक के आ चुके हैं। यहाँ की कहानी आपको गाड़ी में बैठ के बताएंगे। और यहाँ पे एक साइड में ये देखिए एक सरोवर सा बना हुआ है। यहाँ की कहानी ये है, ये रुक्मणी का मंदिर है जो कि गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ मौजूद है। ऐसी कहानी यहाँ पे अभी पंडित जी ने बताई थी कि एक टाइम में भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी माँ का हरण करके लेके आए थे यहाँ पे, और उनका यहाँ पे विवाह हुआ था द्वारका में। एंड उन्होंने यहाँ पे एक दुर्वासा ऋषि थे, उनको भोजन के लिए बुलाया था। तो वो बोले कि आप मेरे को रथ पे बिठा के दोनों खींच के लेके जाओगे तो मैं जाके भोजन करूंगा। तो दोनों ने हाँ कह दिया। तो वहां से वो दोनों खींच के लाते हैं। रास्ते में रुक्मणी माता को प्यास लगती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ गंगा को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण जी और माता रुक्मणी ने जल लिया। उसके बाद उन्होंने दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा, तो उन्होंने क्या है उनको श्राप दिया था। तो 3 श्राप दिए थे, उसकी वजह से ये एक तो दोनों दूर दूर है मंदिर, ऐसा कुछ बताया जाता है। और एक यहाँ पे पानी कड़वा है, जिसका रीजन ये बताया जाता है। यहाँ की जो हमें बात बताई गई है, वो ही मैंने आपको आगे बताई है। और अभी मैं निकलूंगा नागेश्वर महादेव मंदिर के लिए, लेकिन उससे पहले भाई को ट्रेन है, भाई की ट्रेन यहाँ से मैंने बुक करी है जयपुर के लिए, और इसको सबसे पहले ट्रेन में चढ़ा के आएंगे। 72 डेज से मैं लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ, और इस ट्रेवल के दौरान मेरे आज जाके थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। डॉक्टर को दिखा के आया, इस टाइप की आपको ऐसा लग रहा है जैसे इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इन्फेक्शन सा है, ऐसा उनको लगा। मैंने अपने जो मेरे डॉक्टर है जयपुर से, मैंने उनसे एडवाइस दी, एंड उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी है वो मैं लेने के लिए मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। डेली बाहर का फूड, और यार फूड अच्छा नहीं मिलता ट्रेवल में, बिल्कुल अच्छा फूड नहीं मिलता है। मेडिसिन ले लिया है, एंड पोहा पैक करवा लिया है। यहाँ डाइट लो तो बेकार खाना मिलता है, कितनी अच्छी जगह चले जाओ। जो मेरे साथ का है उसकी मैंने बुकिंग करा दी है जयपुर के लिए बाय ट्रेन, एंड बस उसकी 5 वेटिंग चल रही है। अभी क्लियर हो गई तो वो चढ़ जाएगा, एंड मेरे को इसलिए आना पड़ा क्योंकि अभी मंदिर के बंद होने का टाइम हो गया है। फाइनली अपने को दर्शन मिल गए भगवान भोलेनाथ की। इनकी दूर से प्रतिमा क्या खूबसूरत लग रही है। आओगे तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, और यहाँ आके और इस स्टैचू को देख के मेरे अंतर आत्मा इतनी प्रसन्न हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने जज्बातों को, एंड आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ पहुँच पाया। और इस तरफ मंदिर है, आप देख सकते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम अंदर आ चुके हैं अभी, और इसी भीड़ के साथ में आगे जा रहे हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर बड़ी मान्यता है यहाँ की, और ये ज्योतिर्लिंग है। मंदिर प्रांगण के अंदर, और देख सकते हैं वहाँ आराम से मत्था टेक के आ चुके हैं, बड़े आराम से। बट वही है कि अगर आपको बिल्कुल अंदर जाके मत्था टेकना है तो यहाँ से जल लेना पड़ेगा, एक थाली लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप अंदर जाना है तो आपको 200 रुपीज की पर्ची कटवानी पड़ेगी, फिर आप जा सकते हैं। पूजा के भी अलग कॉस्ट है। ये भगवान भोलेनाथ का कितना बड़ा स्टैचू देखने को मिल रहा है नागेश्वर महादेव मंदिर में। लुक एट दिस, मैं पहली बार देख रहा हूँ यार समंदर, पहली बार समंदर देख रहा हूँ। एंड ये देखिए कितने सारे जहाज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ आगे बेट द्वारका के लिए, तो ये समंदर किनारे में पहली बार आया हूँ। स्टेशन सा बना हुआ है एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ टिकट काउंटर है, वहां से आप टिकट ले सकते हो।
और ये मैंने टिकट ले ली है और आगे से यहाँ से बोट मिलेगी अपने को। समंदर किनारे भी पहली बार आए हैं और समंदर के अंदर भी पहली बार जाएंगे और ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरी लाइफ का। वो आगे बड़े शिप्स भी हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर। क्या खूबसूरत नज़ारा है मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ आज की जर्नी के लिए। बोट के ऊपर छोटी सी बोट है, यहाँ से चलेगी, जगह देखते हैं अच्छे से अपने लिए। काफी भीड़ है देख सकते हैं आप, बैठने की तो जगह नहीं है, खड़े ही होकर जाएंगे। बेट द्वारका, यहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा की मुलाकात हुई थी और सुदामा ने कृष्ण जी को चावल खिलाए थे। यह बेट द्वारका का मेन मंदिर, मंदिर बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी 4 बजे खुलेगा। सोने की द्वारका पावन धाम जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी के जीवन की जो उन्होंने लाइफ जी के गए हैं वो इस धरती पे वो सब दिखाया गया है। जिस राक्षस का उन्होंने वध किया, उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ें की वो सब दिखाया गया है। महाभारत के सीन दिखाए गए हैं, चार धाम यात्रा दिखाई गई है, सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। मंदिर तो बंद था, वैसे बाहर से मत्था टेक के आए और सोने की जो द्वारका थी वो देख के आए हैं, अभी वापस से बोट ले रहे हैं, बोट लेके वापस जाने की तैयारी। देखिए किस तरीके से फुल हो रखी है यार, इतनी तेज गर्मी रहती है, इतनी तेज गर्मी रहती है पूछो मत यार। अभी बर्फ वाला मैं सिकंजी पी के आया हूँ। क्या ये वही है? जी हाँ, ये वही है जिसको जहाँ छोड़ा था वो वही मिला। अभी हमारा आज का जो डेस्टिनेशन है वो है सोमनाथ, और सोमनाथ जाने से पहले हम पोरबंदर होते हुए जाएंगे। गाड़ी रोकी है, थोड़ा ब्रेक लिया है एंड मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं आज लाइट ही खा रहा हूँ, मतलब लिक्विड ही ले रहा हूँ। और अभी मैंने बनाया सौंफ वाला दूध, क्योंकि इसके अलावा ना ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है नहीं। फ्रूट खा सकता हूँ, फ्रूट मैंने ले लिए हैं। वैसे भी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, एक इंजन लाइट आ रही है, वैसे ये बेसिकली आ जाती है नए मॉडल्स के अंदर है। तो ये है महिंद्रा, थोड़ा सा सर्विस सेंटर के अंदर लेके आए, एक हल्का सा एरर आ रहा है, एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रेर था वो इन्होंने सॉल्व कर दिया, एंड पीछे की साइड में एक छोटी सी आवाज़ आ रही थी, वो नट बुट भी सही कर दी है इन्होंने, एंड हल्का सा सेंसर इश्यूज था भाई, थोड़ा बहुत ना सेंसर इश्यूज था, तो ये इन्होंने कर दिया ठीक। और अभी हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए। बस तो यहाँ सोमनाथ 135 किलोमीटर के आसपास है। ये अपनी थार, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू, ये आगे चल के जो समंदर उसमें मिल जाता है, और इधर देखिए सनसेट हो रहा है। देखो शॉट लेने के लिए कहाँ चढ़ा वो, अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भैया अपने को मिले यार, कंप हो मत पहली बात, रिलैक्स हो, पकड़ो मुड़ के आए, वहाँ से मुड़ के आए स्पेशली, और हम यहाँ रोड पे खड़े हैं। यकीन नहीं कर पा रहा हूँ क्या बोलूँ मैं सर, मैं सच में ये मेरे लिए एक सच में सपना है सर, बहुत ये आज एक मतलब जो बोलते हैं ना कुदरत ने चाहा, ये सपना मेरा आज सच हो गया। अरे अरे ऐसे मत करो, नहीं भाई यार, अपने दिल में जगह है यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने भाई मिले, आप कहाँ से हो? मैं सर सोमनाथ से। सोमनाथ, अरे सोमनाथ ही हम जा रहे हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया सर। मैं